रिकॉर्डिंग तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप खुद से अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप पीसी से किस प्रकार से बीएड काउंसलिंग को फिलअप कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, आपको विजिट करना है admission.hpushimla.in पे आपको विजिट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी करके या तो सर्च बार पे सर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहने वाला है, जिसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप है, आपको सेकंड क्लिक करना है कैंडिडेट एक्टिविटी। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला है वो है अप्लाई फॉर बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसके नीचे आपको एक बटन रहेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीएड काउंसलिंग। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है एंड सम डाल के लॉग इन करना है। जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है एंड पासवर्ड, हमेशा डेट ऑफ बर्थ थी देखने को आपको मिलेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पेज आपके पास रहेगा वो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा, जिसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भरा था तो उसमें आपने अपनी डिटेल दे चुके थे। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, न तो कैटेगरी में न ही अदर किसी में। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपके पास कुछ इस प्रकार से पेमेंट का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 500 रुपये फीस रहने वाली है, तो आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन मिलेगी HDFC एंड SBI बैंक के। आप नेट बैंकिंग के थ्रू या अदर जो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, तो या तो डेबिट क्रेडिट कार्ड। उसके बाद जब आपका ये पेमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना है, जिसमें आप कम से कम एक कॉलेज का या ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हो, कि आपको प्रेफरेंस वाइज आपको सबसे पहले नंबर पे किस कॉलेज पे सीट चाहिए, अगर उसमें ना मिले तो दूसरे नंबर पे किस कॉलेज पे चाहिए। तो 10 प्रेफरेंस आप दे सकते हो मैक्सिमम। तो इस प्रकार से आपको आपके पास पेज खुलने वाला है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो भी आपको सबसे पहले आप जिस कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे, अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेकंड कॉलेज में मिल जाएगी। तो प्रेफरेंस देने के बाद आपको सबमिट करना है इसको, तो आप इसका लास्ट में फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे आपके नाम, फादर नेम, इमेज आपका रहेगा, कुछ इस प्रकार का आपका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो ये पूरा आपका बीएड काउंसलिंग का जो किस प्रकार से आपको खुद से आप घर पे भर सकते हो, एंड जिसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। अलॉट करने के बाद आपको सीट जब आपको अलॉट कर दी जाएगी जिस भी कॉलेज में, यदि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी मनपसंद कॉलेज में आपको सीट मिल जाती है, तो उसके बाद आपको उस कॉलेज की एडमिशन फी को आपको भरना होता है, क्योंकि तभी आपकी सीट सिक्योर मानी जाएगी। क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है, अगर आप एडमिशन फीस नहीं दोगे तो उस सीट को खाली माना जाएगा और अदर कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। तो इसीलिए यदि आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल गया है तो आपको वहाँ पे उस कॉलेज की फीस आपको काट लेनी है। तो आपको फिर से hpadmission.shimla.in की साइट पे आपको विजिट करना है एंड उस पे आपको मिलेगा पे बीएड एडमिशन फीस का आपको बटन मिलेगा एंड आपको फीस को जमा करवा के आपकी सीट बिल्कुल एकदम से सुरक्षित हो जाएगी।
तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सवाल रहेंगे कि किस प्रकार से फिर सेकंड काउंसलिंग में कब हम फिर से भर सकते हो, या अदर प्रकार की आपकी इंक्वायरी रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको 2022 में जो भी आपका बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि किसी भी प्रकार के आपके सवाल है, किस प्रकार से आपको सेकंड काउंसलिंग, यदि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, या किसी प्रकार की भी इंक्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो भी सॉल्यूशन आपको उसका जवाब दिया जाएगा, डेफिनेटली दिया जाएगा, आपको बस कमेंट करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो 2022 में किस प्रकार का शेड्यूल है, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट वन, आपको पता ही है कि हमारे द्वारा केवल ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलती तब तक हम वीडियो अपलोड नहीं करते, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको केवल अच्छी से अच्छी जानकारी, मतलब कि जो एक्चुअल में है उसी जानकारी को आपके साथ शेयर किया जाए। तो आपको बीएड काउंसलिंग के डे एंड डेट्स को देख लेना है, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला स्टेप। तो बात करेंगे हम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। तो जिसकी आपकी भरने की डेट है 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच, आपको आपके ऑनलाइन फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसको आपको फिलअप कर देना है। तो आपका ये पहला स्टेप रहने वाला है। उसके बाद आपको 18 तारीख को फिर से एचपीयू की साइट पे विजिट करना है एंड फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट चेक करना है कि आपका नाम आया है या नहीं, आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल चुका है या नहीं। यदि मिल गया है तो आपको 20 से 22 अगस्त के बीच आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के कॉलेज लेवल में आपको इसकी वेरिफिकेशन करवा लेनी है। उसके बाद आपको एडमिशन फीस भी सबमिट करवा लेनी है, तभी आपकी सीट सुरक्षित मानी जाएगी। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जितनी भी सीट्स बचेंगी उसके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसको 24/8/2022 में एक बार फिर से विजिट करना है एचपीयू की वेबसाइट पर, और आपको वहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी वैकेंसी वैकेंट रही है, जिसको आपको प्रेफरेंस देना है जिस भी सीट को। तो आप 24/8/2022 से 28 अगस्त तक आप दे सकते हो। एक बार आपको फिर से अपडेट करना है, सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, केवल आपको आपने कॉलेज प्रेफरेंस में एक बार फिर से अपडेट उसको कर देना है। तो 31 को आपको फिर से साइट पे विजिट करके इसका रिजल्ट देख लेना है। यदि आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया है तो आपको 1/9/2022 से 3/9 के बीच बीच आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज लेवल में उसकी वेरिफिकेशन करवा लेनी है एंड फीस को सबमिट करवा देना है। उसके बाद दोनों काउंसलिंग के बाद जब जितनी भी सीट्स खाली रहेंगी उसका आपका डाटा आपको एचपीयू की साइट पे 5/9/2022 अगले मंथ आपको मिल जाएगा 5 तारीख को। तो इसके बाद आपको सीट्स के अकॉर्डिंग आप 5 से 7 के बीच बीच आप फिर से एक बार अपने कॉलेज प्रेफरेंस को अपडेट कर सकते हो, और उसका रिजल्ट आपको 10/9 को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपका एक बार फिर से आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया है तो आपको एडमिशन ले लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आप अपनी कॉलेज लेवल में करवा लेनी है, जिसकी आपको डेट रहेगी 11 से 13 के बीच, आपको तारीख के बीच बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कर लेनी है। यदि इतनी 3 राउंड काउंसलिंग के बाद भी सीट्स खाली रह जाती है तो फिर मॉपअप राउंड काउंसलिंग होती है, जिसकी डेट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम को मिल जाती है सीट्स, पर जो फिर उसके बाद भी बच जाते हैं। तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग भी आप मतलब आपको करनी ही करनी है, किसी भी कॉलेज से करनी है तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हो। तो ये पूरा आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आपको इससे पहले पूरी बीएड काउंसलिंग की भी जानकारी दे दी गई है।
तो यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, क्योंकि आपके द्वारा वीडियो शेयर करना आपकी ओर से हमारे लिए थैंक यू एंड वेलकम के रूप में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेसिक टू अपेक्स स्टडी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।